So, we are going to learn developmental theories, and uh, under the umbrella of developmental theories, we will see cognitive theories. So, at birth, the brain of a baby is only 25% of the weight of an adult's brain, which is 1.5 kg. And by the age of 3, it is 90% of the adult weight, and by the age of 6, almost as large as it will ever be. आप तस्वीर तो में देख रहे हैं कि जब अभी बच्चा पैदा होता है तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन का जो हमारा स्ट्रक्चर है ब्रेन सेल्स हैं और वो आपस में एक दूसरे से न्यूरोन्स से जुड़े हैं कुछ स्पार्क्स इसके अंदर पैदा होते हैं फिर वो एक एक हिस्से से एक सेल से दूसरे सेल में एक न्यूरा से दूसरे न्यूराइन में आ, वो शिफ्ट होते हैं तो बर्थ के टाइम पे वो अभी लूज हैं फिर जैसे वन मंथ होता है आप देखें वक्त के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और जब हम तकरीबन चार या छः साल का जब बच्चा हो जाता है तो ब्रेन अपनी मुकम्मल जो साख्त है वो अचीव कर लेता है तो अब अब इससे आपको अर्ली चाइल्ड हुड के जो कॉगनेटिव डेवलपमेंट है अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये जो एक दौर है या पीरियड है ये क्यों ज़्यादा अहम है कि छः साल के अंदर अंदर ब्रेन जो है वो अपने सारे जो जो अपनी वेट है वो अचीव कर लेता है तो इसके साथ साथ वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी भी अचीव कर लेता है मतलब चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैनेज करने में उनको लॉजिकली देखने में और बाकी सारी चीज़ों में फिर बाद में आता आस्ता जो डेवलपमेंट होती है वो होती ज़रूर है वक्त के साथ साथ लेकिन उसकी रफ़्तार बहुत कम रह जाती है और शुरू में ये चीज़ें बड़ी स्ट्रॉग है अब हम देखते हैं इस सिलसिले में जो सबसे अच्छी और एबोरेटिव हमारी हेरी है वो प्याज़े की थेरी है कोग्नेटिव uh, डेवलपमेंट की अच्छा अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा बच्चा आ, अभी सिफर से दो साल का है उसकी सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आप देख रहे हैं द चाइल्ड बिगेन्स टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट अभी शुरू में आपने देखा होगा बच्चे अपने जैसे बहुत छोटे हैं तो अभी वो सिर्फ शक्लों गौर गौरव फिक्र करते हैं फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो ऑब्जेक्ट को देखते हैं अट्रैक्ट होते हैं जब वो चार पाँच महीने के होते हैं फिर वो उसको पकड़ सकते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीज़ों के ऊपर ग्रिप भी बढ़ती है कंट्रोल भी बढ़ता है और अपनी बॉडी पे भी उनका कंट्रोल बढ़ता है लेकिन इस सारे के दौरान में अभी वो अपनी सेंसेस को ही इस्तेमाल करते हैं यानी जो चीज़ दिख रही है या नज़र आ रही है या वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देख रहे हैं लेकिन जैसे ही बच्चा फिर दो से छः या सात साल की उम्र में चला जाता है तो उस वक्त आप देखते हैं कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है यहाँ पे द चाइल्ड बिगिनस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बोलिकली अब पहले वो कुछ इमेजिन नहीं कर सकता था अब वो सिम्बल्स को भी इमेजिन करता है मसलन अब तीन सा, तीन महीने के बच्चे के हाथ से गेंद ले लेंगे ना तो आप उसको तकिए के पीछे छुपा देंगे वो लौट के नहीं देखेगा अगर पाँच महीने का बच्चा है तो वो तकिया उठा के देखेगा कि इसके पीछे ज़रूर कुछ है तो अब ये है कि जब बच्चा दो से सात साल की उम्र में होता है तो वो सारी चीज़ों को सिम्बोलिकली देख सकता होता है फिर जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये आगे बढ़ती है सात से ग्यारह साल में यहाँ पे तो बच्चे कंजर्वेशन भी सीखते हैं कि मादा जो है वो किसी न किसी हालत में रहता है वो चेंज हो सकता है लेकिन वो अपनी हालत में वापस मौजूद रहता है तो अब वो लॉजिक्स को भी समझ सकता है चीज़ों को कैटेगराइज भी कर सकता है और बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो कंक्रीटली वो कर सकता है आखिरी स्टेज जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें आप देखते हैं कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू हो जाते हैं ये 12 साल के बाद शुरू होती है अब वो वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बिना पे जो शायद पहले से नहीं होती वो कुछ नया सोच लेते हैं कुछ नया बना सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्सट्रैक्ट जो है वो एब्सट्रैक्ट जिसको आप कहते हैं कि जी जो सिर्फ इमेजिन की जा सकती है चीज़ें उनके बारे में भी सोचते हैं फिर कुछ लॉजिकल रिलेशन बना सकते हैं कुछ पहेलियों पे काम कर सकते हैं जिगसॉस पे काम कर सकते हैं तो ऐसे बहुत से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स uh, हैं जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आके बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के और लैंग्वेज के ऑपरेशन हैं वो बच्चे कर सकते हैं ये वो एडल्ट uh, बनने के के दौरान और उसके बाद में जो भी कॉगनेटिव डेवलपमेंट होगी ये इसी तरह से जारी रहेगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें जो हमारे एडोलसेंट्स हैं 12 साल की उम्र के बाद से अब वो पेचीदा और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं बहुत से पज़ल्स को वो हल कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को सोच सकते हैं मैकेनिकली फ़िज़िकली वो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें कर सकते हैं जो एडल्ट भी कर सकते हैं यानी इसके बाद से हमारा ब्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने फंक्शंस जो है वो कर सकता होता है अब फर्क सिर्फ ये रह जाता है इंटरेक्शन का कुछ लोग इस उम्र में जिस तरह का इंटरेक्ट करेंगे जिस तरह की मटेरियल के साथ जिस तरह का उनको कोर्स वर्क या कंटेंट मिलेगा उसके मुताबिक करेंगे जिस शहर में रहेंगे जिस हालात में रहेंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे और कुछ लोग जो हैं वो उससे बेहतर कर सकते हैं अगर वो किसी बेहतर माहौल में रहेंगे वरना जो उनकी मेंटल प्रोसेसेस है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट है वो इस उम्र के बाद मुकम्मल पा जाती है